ब्रेन में अगर अपन देखे बेटा बात कर सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा बेटा बात कर आगे बारे कौन सा रीजन होगा फ्रंटल क्या होगा बेटा बात कर पूरे बात कर समझ पूरे बात कर फ्रंटल के पीछे और बेटा बात कर कहाँ लेटरल साइड पूरे बात कर क्या होगा बेटा बात कर फ्रंटल के अगर अपन पीछे पूरे बात करें कहाँ पे बैक में और पूरे बात करें कहाँ पे बेटा बात करें डोर्सल साइड पे कौन सा होगा पैराइटल पूरे बात कर पैराइटल के नीचे और लेटरल कौन सा होगा बेटा बात करें ऑक्सीपिटल नहीं टेम्पोरल कौन होगा बेटा और सबसे पीछे बेटा बात के बैक साइड कौन सा होगा पूरे बात करें यदि बोलो ऑक्सीपिटल तो ये बेटा बात हमारे पास क्या आ गया ब्रेन इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है ये एग्जिट ब्रेन मॉर्फोलॉजी के लिए अपन देखेंगे अगर देखें पूरे बात करें पहला रीजन पहले रीजन मतलब कौन सा बेटा बात करें ये वाला रीजन ये कौन सा है बोलो बात करें ये है दीदी बात करें हमारे पास फ्रंटल कौन है बेटा बात करें ये फ्रंटल फर्स्ट ये पूरे बात करें हमारे पास कौन है बेटा बात करें ये ऑक्सीपिटल ये पूरे बात करें कौन सा बेटा बात करें आपका ये पूरे बात करें टेम्पोरल और ये बेटा बात करें कौन पूरे बात करें ये पैराइटल पैराइटल ये पूरे स्थल आपको पता है बात कर अपन जब फ्यूचर पढ़ते हैं संधियां पूरे बात करें मतलब जहां पे पूरे बात करें एक बोन दूसरे बोन के साथ पूरे जॉइंट के जुड़े होते हैं तीन टाइप के बेटे जॉइंट बिल्कुल होते हैं हाईली इमूवेबल मतलब जहां दीदी बात कर दो बोन जुड़ जाए उनके बीच में इतनी सी मूवमेंट नहीं पड़ती इसको दीदी अपन बोलते बेटे बात करें क्या फाइब्रस जॉइंट तो पूरे बात कर रहे हैं आपके ब्रेन में ब्रेन की जो बोन है बोन मतलब कौन सी क्रेनियल बोन मतलब पूरे बात करें जैसे फ्रंटल पैराइटल के बोन बीच में जैसे पूरे बात करो देखा पैराइटल और बेटा बात कर टेम्पोरल या पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच जैसे ऑक्सीपिटल और बेटा बात कर टेम्पोरल के बीच जो जॉइंट है इन जॉइंट को मैं नाम देते हैं सूचर क्या बोलते हैं बेटा बात कर सूचर क्या बोलते हैं सूचर कौन सा सूचर बोलते हैं पूरे बात करें फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट और बताओ बेटा बात और कहां मिलती है जॉइंट इमूवेबल जॉइंट याद है पूरे बात करें बिल्कुल जा और दीदी गम आपके दीदी बात कर बता ऊपर की मैक्सिला बोन और नीचे की मैंडिबल बोन के अंदर जो दांत धंसे हुए वो भी दीदी बात करें ज्वाइंट है ऐसा नहीं कि हलते हैं आज निकल आया कल हेड को सेक्टर जोड़ लिया ऐसा तो नहीं है इमूवेबल ज्वाइंट जो है तो है एक जगह और मिल जाए कुछ अगर याद आ रहा है दीदी बात कर कुछ जब कहाँ मिलता है पूरे बात कर आइलियोसैक्रल क्या बोलते बेटा बात करें आइलियोसैक्रल ज्वाइंट भी कैसा बेटा फाइब्रस ज्वाइंट है इमूवेबल ज्वाइंट है ये तीन ज्वाइंट आपकी बॉडी में ऐसी ब्रेन की हड्डियों के बीच में कभी दीदी ऐसा नहीं गिर इधर का ब्रेन पीछे इधर का ब्रेन मेरा दीदी बात का सेट हो गया ऐसा होता है क्या नहीं होता है ना मतलब ये पूरे बात क्या पता नहीं इस टाइप का जॉइंट दूसरा बेटा बात करें हल्का फुल्का जॉइंट पूरे बात करें जिसको अपन बोलते हैं पूरे कार्टिलेजनस जॉइंट जो आपकी दीदी बात करें वर्टिकल कॉलम के बीच में तभी पूरे अपन क्या कर लेते हैं झुक जाते हैं मुड़ जाते हैं ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते कुछ समझ पा रहे ये पूरे बात क्या हमारे पास कार्टिलेजनस जॉइंट दूसरा पूरे अगर अपन बोलना चाहें पूरे पढ़ेंगे अपन तो लेकिन सबसे जॉइंट मिलता है दीदी बात करें कहाँ पर पूरे बात कर दो सबसे ज़्यादा हाईली मूवेबल जॉइंट कौन से हैं पूरे बात कर रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो दीदी एक एग्जांपल है किसके एग्जांपल है ये साइनोवियल जॉइंट साइनो तीन टाइप के जॉइंट पढ़े थे मैंने तो तीन टाइप के पढ़े क्योंकि अपने बेटा साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल है बेटा बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिंज जॉइंट की बात करें पाइवट जॉइंट पूरे बात करें अरे पढ़े थे ग्लाइडिंग जॉइंट पूरे बात करें हमारे के सैडल जॉइंट हाँ सारे के सारे जॉइंट हैं तो सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट आपको पता है ये जॉइंट होता है 360 पर रोटेशन माता की ये वाला पूरे बात करें 360 रोटेट कर देता है 360 करता है कि नहीं करता दीदी बात करें इतना ज्वाइंट कभी नहीं मिलेगा आपको दीदी बात करें ये 360 में रोटेशन हो जाता है क्यों क्योंकि दीदी बात करें यहाँ पे हिप के पूरे बात करें कोक्सल बोन की कैविटी जिसका नाम है एसिटाबुलम के अंदर पूरे बात करें आपकी फीमर का हेड आता है समझ पर और उसमें धंसता है और पूरे बात करें वैसे ही कहानी बनती है जैसे पूरे अपन बोलते हैं ना बेटा बात करें कौन सी ज्वाइंट कहानी पूरे बात करें मम्मी की को खल्ले मुसर पा दी याद है
ये सब वो हल्दी वल्दी पीस के मम्मी अदरक वदरक पीसते रहती बुरे बात करे तो वो बुरे बात उसको बोलते कंदुक खली बात खल मतलब जिसके अंदर वो सामान रखते अदरक और दीदी कंदुक मतलब गुजरने वाला वो मूसल समझ ना दीजिए मूसल बोलते ना क्या बोलते हैं दीदी बात करें हाँ मूसल वो बुरे बात करें तो ये कंडीशन है ऐसे दीदी यहाँ पर आपके दीदी इसके कोला में पाई जाने वाली बुरे ये कैबिलिटी जिसका नाम क्या बेटा ग्रीनॉइड कैबिलिटी और यहाँ पे ये फीमर आया और फीमर के हेड इसमें फंसा और दीदी मूवमेंट करता था समझ में क्या वॉलेट सॉकेट ये बेटा बात करें कौन सा दीदी बात हेड ऑफ ह्यूमरस और बुरे बात ग्रीनॉइड कैविटी ऑफ इसके कोला ग्रीनॉइड कैविटी ऑफ इसके कोला दीदी बात करें हेड ऑफ फीमर हेड ऑफ फीमर और दीदी एसिटाबुलम कैविटी ऑफ कॉक्सल बोन एसिटाबुलम कैविटी ऑफ कॉक्सल बोन यस वॉलेट सॉकेट कैसा बेटा बात करें वॉलेट सॉकेट एक जगह और पढ़ाया था कुछ याद आ रहा है इशियम और प्यूबिस आई ने इशियम के बीच में पाया था प्यूबिस हिंज जॉइंट हिंज जॉइंट अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था उसको देखो अच्छे से तुम्हें लिखा उसमें क्या बात है कम से कम याद है दीदी बात करें मेलियस इनकस कान की बात करें तो उसमें इशियम कहाँ से आ गई हाँ पहले नहीं बोला तुमने मिलियस इनकस के बीच पढ़ाया था हिंज जॉइंट इनकस और स्टेपीज के बीच पढ़ाया था बात करें वॉलेट सॉकेट क्यों दीदी ये तुम्हें दे रहे हैं एक ही करके हल्का से याद हो जाए ताकि जब टॉपिक देख जाए तो पूरे बात की वो सारी चीज़ें क्या हो जाए याद हो जाए मुझे पता है टॉपिक में ये चीज़ें नहीं है ज्वाइंट लेकिन फिर भी मैं एक बार बात करना चाहता हूँ ताकि बेटा आपके सामने कोई बात करे तो दीदी हमें ऐसा ना लगे कि मैं पढ़ा रही मुझे लगे मैं ये बात कर चुका हूँ ज्वाइंट समझ पा रहे मोस्ट यूजुअल ज्वाइंट कौन से साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जाम्पल है वॉल्यूम सॉकेट लेकिन दीदी सबसे कम बेटा मूवेबल ज्वाइंट कौन से फाइब्रस ज्वाइंट पूरे बात करें मतलब कहाँ पे बेटा बात करें फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ मिलते हैं बेटा बात करें बिटवीन बेटा बात करें स्कल बोन किसके बीच मिलते हैं स्कल बोन एक क्रैनियल बोन क्या बोल सकते हैं क्रैनियल बोन पूरे बात करिए कंडीशन है ऐसा ही पूरे बात करिए पिक्चर आपको बनाने की देने की कोशिश की दिखना पूरे बात कैसे फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल दीदी बात करें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम लिखने की कोशिश जैसे बेटा मैंने केवल एक रूम पे बात कर फंक्शन लिखा है और एक फंक्शन तो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये तो जब से आई पढ़े तब से बताते हैं नहीं बताते हैं क्या दोस्त क्या बताते हैं बात जो विजन फंक्शन होता है विजन विजन मतलब मेरी बात कर रही उनका फंक्शन विजन समझ में नहीं आ रहा है वो किसका फंक्शन मुझे बताओ ऑप्टिकल रीजन का मतलब दीदी बात कर देखने का काम मुझे बात करें पता है ऑप्टिक नर्व फाइबर के द्वारा मुझे बात करें जो इम्पल्स लेके गए थे ना वो कहाँ लेके गए थे अपने मुझे बात कर बिल्कुल मुझे बात कर अपने बोला था विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ दीदी बात करें क्या ऑक्सीपिटल विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ऑक्सीपिटल कौन सा पिटल विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ऑक्सीपिटल है कि नहीं अब तुम बच के रहना ठीक है अभी मुझे अपन ने क्या देखा लास्ट आता बेटा बात करेंगे टेम्पोरल टेम्पोरल की दीदी बात कर तीन फंक्शन लिखवाया है वाओ क्या लिखवाया वाओ समझ पा रही पे बात कर ये कंडीशन तो वाओ से दीदी कैसे याद करेगा वाओ पूरे बात करें डब्ल्यू का मतलब क्या बेटा बात करें जी वर्मिक्स एरिया क्या है बेटा बात करें वर्मिक्स एरिया डब्ल्यू का मतलब दीदी बात करें वर्मिक्स एरिया और वर्मिक्स एरिया बेटा बात करें आपको बताता है पूरे बात करें क्या लैंग्वेज पूरे बात करें नॉलेज मतलब भाषा का ज्ञान आप लोग देखिए उर्दू हिंदी संस्कृत जो अपन सीखते ना उसको बेटा बात कर सीखने की जो बुरे बात करें मेरे अंदर कैपेसिटी है समझने की जो कैपेसिटी है वो कहाँ मिलेगा बेटा बात करें टेम्पोरल रीजन में वर्निक्स एरिया की बात की मेरे अंदर क्या करता है कंट्रोल करता है बुरे बात करें क्या लैंग्वेज के नॉलेज को बुरे बात करें फिर ए का मतलब क्या बेटा बात करें ऑडिटरी तो वाव में दीदी डब्ल्यू तो हो गया वर्निक्स एरिया ये मतलब क्या बेटा बात करें ऑडिटरी ऑडिटरी समझ में आ रहा है तब से पढ़ रहे टेम्पोरल में ही कान होता है टेम्पोरल में दीदी बात करें ऑडिटरी होगा ऑडिटरी मतलब क्या होता है बेटा बात करें ये हियरिंग और बैलेंसिंग हियरिंग और बैलेंसिंग कान के दो कान काम है कान के दो काम है सबसे पहले कान का प्राइमरी फंक्शन क्या है बॉडी बैलेंसिंग और सेकेंडरी फंक्शन क्या है हियरिंग सेकेंडरी फंक्शन क्या है हियरिंग ये बात समझ में आ रहा है तो बताओ बॉडी बैलेंस करिए तुम बैठे हो ना किसके दम पे बैठे हो कान के दम पे अगर आपके कान में छेद दर्द है और या आपके इंटरनल ईयर में बात क्या होता है लेबरम को निकाल समझ पा रहे हो तो गिर जाएगा कुछ लोग भी अपने देखे होंगे जब हॉस्पिटल में बेटा आपकी ड्यूटी लगी तो आप देखोगे कि वहाँ पूरे बात क्या चेयर से बांध के लाते लोग क्योंकि दीदी बात की गिर जाते क्योंकि उनका इंटरनल ईयर डेवलप ही नहीं या दीदी कोई चोट इतनी भयानक लगी तो इंटरनल ईयर क्या होगा रफ चल इसे बोलते हैं पूरे बात क्या दवा के कान में नहीं मारना चाहिए जहाँ भी मारना पीठ में मार दो बड़ी दीदी बात क्या भारी पीठ होती है यहाँ किसी को मारना नहीं चाहिए भाई पर्दा चला गया पूरे बात की जिंदगी भर के लेने देने पड़ जाएंगे इसके पूरे बात की किसी को मारने मत कभी भी मत मारो कान को मारने नहीं चाहिए बात करें अपन देखा बेटा बात करें वाव में देखो डब्ल्यू क्या देखा वन एक्स एरिया लैंग्वेज नॉलेज और दूसरा दीदी बात करें ऑडिटरी ऑडिटरी अपन आज पढ़ रहे हैं कि पहले से पढ़ते हैं क्या फंक्शन होता है हियरिंग और बॉडी बैलेंसिंग दीदी ओ का मतलब क्या
ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या वीडियो बात कर जल्दी बोलो, स्मेल क्या है स्मेल, तो पूरे बात करें यहीं के तुम्हारे वीडियो बात करें कान, यहीं पे तुम्हारी दोस्त। कई बार तुमने की बात कर देखा होगा कि हम कान जब दवाई डाल के भूमि आ जाते हैं, कई बार अगर आपके कान में दवाई डाली घूमने लगा तब हम बोल सब बोले पूछे ना अपन कर देता कि मूवमेंट की बात, तो वो पूरे बात करें अपने कान भूमि में आ जाते हैं, कड़ी फील होती है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट जो अगर सर्विस है मुँह का तो ना का तो नहीं पूछते आराम से, क्योंकि फेरिक्स में जिस से नोज खुलती है, इधर से माउथ खुलता है, इधर से जो आपके फेर मतलब फेरिक्स आती है, और इधर से बेटा बात कर पहुँच जाती है पानी की स्टेशन यूज होती है ना, फेरिक्स में सब खुलता है। तो पूरे बात के लिए कंडीशन बाव में तो पहले क्या बताता है वर्मिक्स से, कौन बताता है वर्मिक्स से, ये क्या बताता है ऑडिटरी मतलब कान का फंक्शन, और वो क्या बताता है ऑल्फैक्टरी मतलब किसका बेटा बात करें स्मेल का, किसका दीदी बात स्मेल का। तो उम्मीद करते हैं कि आप याद कर पाओगे ना बहुत से, वो आपको याद हो गया था विजन और इसको आपने याद कर दिया। अब पूरे अपन आते हैं बेटा बात करके इस पर पैराइटल पर, पैराइटल को दीदी बात क्या लिखा है गैस से, किससे लिखा है गैस, कम से कम गैस याद करूँगा, गैस का मतलब है तीन फंक्शन कुछ समझ में आ रहा, गैस्ट्रिक है बस समझ में आ रहा मैडम, चलो बोलो गैस्ट्रिक का मतलब क्या है, गैस्ट्रिक का मतलब है पूरे बात करें टेस्ट, टेस्ट से रिलेटेड मतलब पूरे बहुत चटोरी जवान, समझ पा रहे जो दीदी बात कर जवान के जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट आप जो टेस्ट ले पाते हो इसका पूरे बात कर मतलब टेस्ट कन्वीनली थी, वो तो पूरे बात करें केवल केमिकल पूरे सिग्नल को एटी का सिग्नल बदल करके ब्रेन में, तो पूरे बात कर टेस्ट कहाँ पर ले पाते हैं, कहाँ ले पाते हैं पैराइटल रीजन में, पूरे बात करें ये मतलब क्या होता है। अच्छा गैस्ट्रिक कुछ और बोल सकते हैं क्या दीदी बात करें, टेस्ट तो मैंने बोल दिया, टेस्ट के लिए कौन जिम्मेदार होता है पैपिला, याद आ रहा कुछ, और पैपिला के ऊपर पूरे बात करें क्या थे टेस्ट बड़, कि टेस्ट के बड़े के ऊपर पैपिला था, टेस्ट बड़े के ऊपर पैपिला थे चार टाइप के पैपिला, याद है अपने पढ़े थे बेटा बात करें, तो दीदी बात करें वो गैस्ट्रिक, दूसरी दीदी बात करें क्या बेटा बात करें ए, ए का मतलब क्या है बहुत बढ़िया एंगुलर गायरस, एंगुलर गायरस का मतलब बेटा बात करें राइटिंग, जो अपन लिखते नहीं लिखते पूरे बात करें, तो किसी की सुंदर राइटिंग होती है, किसी को तुम दीदी कितनी भी प्रैक्टिस करा लो उसकी राइटिंग बहुत छापी रहेगी दीदी बात कर रहे हैं, जबकि वो पढ़ने में बहुत ध्यान अच्छा होगा लेकिन राइटिंग में उसके छीनी होगी, वो उस कितने भी प्रैक्टिस कर ले लेकिन कुछ लोग होंगे दीदी बात क्या पता पढ़ने में एकदम धूल होगी लेकिन राइटिंग एक नंबर लिखती होगी, जब वो लिखते हैं तो देखते रहे समझ की सुंदर राइटिंग लिखती है उसको, तो पूरे बात कर उसको मैंने क्या बोलते बेटा बात करें एंगुलर गायरस, पूरे बात करें जी का मतलब क्या है गैस्ट्रिक टेस्ट जो टंग से रिलेटेड है, एक का मतलब जी का मतलब क्या है गैस्ट्रिक पूरे बात करें तो हो गया ना, एक का मतलब क्या है एंगुलर गायरस, अब दीदी एस आ गया, एस का मतलब क्या है सोमेस्थेटिक, तो सोमेस्थेटिक किससे रिलेटेड बेटा टेम्परेचर प्रेशर पूरे बात करें, इसी को बोलते पूरे बात करें क्या उ आउच, पूरे बात करें क्या बोलते हैं उ आ आउच, पूरे बात करें आपको पूरे बात करें कभी भी कोई भी बात पे चिमटी भरता है प्रेशर, अब करते कि नहीं करते ये दीदी कुछ अपन को चुप जाए समझ पा रहे हैं उ, ये पूरे बात करें अपन को पूरे बात कुछ और हो जाए, जैसे लड़के अधिकार करते हैं आउच करते रहते हैं कुछ भी हो तो भी आउच बोल देती हो समझ पा रहे, वो लड़की बेचारे देखते रहती है हम कब बोलेंगे समझ पा रहे, तो बोल नहीं पाते, तो जो ऊ आ आउच है टेम्परेचर प्रेशर पूरे बात करें और हीट टच टेम्परेचर और प्रेशर, टच टेम्परेचर और प्रेशर इन तीनों के बारे में पूरे बात के जो कुछ सेंस होता है ना पूरे बात करें टच समझ में आ रहा है, पूरे बात करें टेम्परेचर और प्रेशर इनके बारे में पूरे बात का सेंस कहाँ पर होता है बेटा बात करें जल्दी बोलो पैराइटल रीजन में, तो दीदी बात किसने बोला है ऊ आ आउच, दीदी बात करें ये तभी होता है पूरे बात करें या तो अपन को कोई टच करते अचानक समझ पा रहे ऊ करके अपन भूखे डर जाते कहीं पूरे बात करें ठीक है, या दीदी बात करें अपन को प्रेशर जनरेट करें या बेटा बात कोई उनको हीट दे, तो टेम्परेचर प्रेशर और टच तीन कंडीशन बेटा बात करें तो रिसीव कौन करता है पैराइटल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो जी का मतलब क्या बेटा बात गैस्ट्रिक, ए का मतलब क्या है एंगुलर गायरस राइटिंग, और एस का मतलब क्या है सोमेस्थेटिक मतलब कौन सा टच टेम्परेचर प्रेशर ऊ आ आउच बाय कंडीशन में हुआ। आगे बेटा बात करें एक बचा है बात किसके बारे में, तो मैंने सब कुछ लिखा है जो दीदी बच गया ना वो सब इसका था पूरे बात के समझ पा रहे, पहले देखते थे ग्लूकोज दे दिया स्टॉप पे डिप्राइविटी क्योंकि इसी की दम पे दीदी बात करें हम क्या है सबसे डेवलप हो, यही लोग दीदी बात करें भैंस में डेवलप नहीं हो पाया घोड़े में डेवलप नहीं हो पाया हाथी में डेवलप नहीं हो हमारे अंदर हो गया, तो पूरे बात किसने अपने शब्दों को किसने तोड़ दी बेटा बात के अपने साउंड को शब्दों में समझ पा रहे, आपको दीदी बात करें सोचने समझने की इमोशंस की दीदी बात करें फीलिंग आती है,
तो पूरे बात क्या हमारे पास स्पीच प्रोडक्शन, मतलब पूरे बात कर स्पीच प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, शब्द बोलने के लिए जो क्षमता है वो पूरे बात कर दो का सीरी की वजह से वो कहाँ पर मेरे बात कर हमारे पास फ्रंट। सेकंड लिखा दीदी बात करें मोटर एरिया, मोटर का मतलब क्या होता है मेरे बात कर हमारे पास वॉलेंट्री एक्शन, जितने भी दीदी बात करें हम चाहें हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं और कोई वैसा कर नहीं सकता, कोई भी जानवर जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकता, हम जैसे चाहें वैसा कर लेते हैं। अगर दीदी बात दूसरे प्लेनेट तक पहुँच गए क्या क्या बना रखा, कभी भैंस की तरक्की करते हुए देखो उनके सोसाइटी कोई डॉक्टर भैंस हो कोई दीदी बात के समझ कर मार्केट सब्जी बेच रहा है ऐसे कुछ देखा तरक्की नहीं कर पाए क्योंकि दीदी ये डर ना समझ कर मजाक वाली बात नहीं, बात तो दीदी है क्योंकि वो मैमल है हमारे हाई क्लास में हमारे साथ रहते हैं क्योंकि तरक्की नहीं करता, तरक्की केवल एक ही मैमल ने किया जिसका नाम है होमो सैपियंस। बात समझ पा हाथी हमसे बड़ा हाथी मेरे साथी लेकिन फिर हमारी वजह से वो सर्कस में नाचता है, शेर इतना खुदता है सर्कस में डांस करा लेते हैं उससे करा लेते नहीं करा लेते क्यों ब्रेन के धन पर। तीसरा बेटा अपन लिखा बात करेंगे फ्रंटल आई फील्ड, फ्रंटल आई फील्ड का मतलब दीदी बात करेंगे आई दीदी बात कर लिड्स की ओपनिंग एंड क्लोज ओपनिंग क्लोज दीदी बात करेंगे। नेक्स्ट देखा बेटा बात आई हेड बॉडी, आई पूरी हेड की मूवमेंट पूरी बॉडी की मूवमेंट और आई की मूवमेंट को भी कंट्रोल कौन करेगा ये करेगा। और लास्ट में लिखा दीदी बात जाओ तुम पहले लाओ, अरे जाओ तुम पहले लाओ दीदी बात में जाओ का मतलब जो तुम मतलब टंग समझ पा रहे पहले मतलब फेरिंग्स और लाओ मतलब बैरिंग्स, तो जाओ तुम पहले लाओ दीदी बात करें मतलब क्या जो टंग फेरिंग्स और लैरिंग्स की मूवमेंट भी कौन कंट्रोल कराएगा यही कराएगा पूरे बात करें। बात समझ में तो इसलिए अपने कहा बेटू बात करके मुझे सबकी पूरे बात करें फंक्शन चाहिए, फंक्शन तो मिलेगी बताओ आपके ब्रेन में कितने क्वेश्चन है बेटे बात करें चार क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कौन कौन से बात करें समझ में। अच्छी ये बात है अपन इसलिए बताएं पूरे बात करें कि ये बातें मैंने प्रैक्टिकल बस समझ पा इसी का तुम्हें एडवांटेज मिल रहा है, जब तुम भी पूरे बात करें इस चीज़ को देखोगे तो जब तुम कभी लाइफ में किसी को कुछ नॉलेज होगी तो तुम पढ़ी पढ़ाई किताबी कीड़ा की तरह नॉलेज ही दोगे, जो तुम्हें दिखेगा रियलिटी है वो चीज़ें तुम बताओ तो वो चीज़ इंसान को ज़्यादा ही याद रहे। जैसे अपन ने कहा बेटो बात करो फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सिपिटल, सबसे बीच सिखाते ऑक्सिपिटल, ऑक्सिपिटल का फंक्शन क्या बेटा बात करें केवल देखने में देखना समझ पाए। दूसरा बोला था बेटे टेम्पोरल कैसे बोला था वाओ दीदी बात करें वाओ में डब्ल्यू क्या वर्निक्स एरिया क्या बताता है वर्निक्स एरिया तुम्हें क्या दीदी बात करें पता है रिकॉग्नाइज करता है जी लैंग्वेज पूरे बात करें थैंक यू। अच्छा दीदी एक चीज़ जो एंगुलर गाइडेंस था उसका काम था लेकिन जब कुछ तुम पेपर में सोच समझ के लिखती है दीदी बात कर क्वेश्चन कर रहे हो उस समय तुम लिखते हो तो सोच समझ के लिखने में कंट्रोल होता है फ्रंटल क्योंकि एक्टिव पार्ट होता है। तो अपन ने देखा दीदी बात का विजन इसका था वाओ दीदी बात का डब्ल्यू वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया मतलब डब्ल्यू मतलब लैंग्वेज पे दीदी बात करें कमांड करना सोचना पढ़ना इसका ये मतलब ऑडिटरी मतलब जी बेटा हाँ बिल्कुल इसी का सोचना समझने का काम ये काम करेगा बीटू बात का पूरे इसके तो मेरे देखो मैं एक तो फंक्शन लिखवा बाकी काम ये तो समझते सब कुछ तू पूरे बात करें इसका मतलब क्या बेटा ऑडिटरी मतलब कान स्मेल की दीदी बात करें हमारे पास हियरिंग हेयरिंग और बॉडी बैलेंसिंग उसके साथ स्मेल भी तुम्हारा और फैक्ट स्मेल भी इसी का काम बाकी दीदी मैं चलेगा कहाँ पे पैराइटल पर पैराइटल का फंक्शन क्या है गैस जी मतलब क्या होता है जी मतलब गस्टे डरी क्या टेस्ट पूरे बात करें ए मतलब एंगुलर गाइरस मतलब बेटे बात करें क्या राइटिंग पूरे बात करें एस मतलब सोमेस सेटिंग दीदी बात सोमेस सेटिंग मतलब बिल्कुल दीदी बात करें टेम्परेचर प्रेशर टच को दीदी बात करें पता है ये मस्ती करता है अगर कुछ कोई टच करे प्रेशर दे जलाए दीदी बात का सेंसेशन यहाँ पे पूरे बात का पता है एनालाइज होगा इस रीजन में इसमें नहीं यहाँ पे हर जगह पूरे बात करें अलग अलग सेंटर बना रहे आपको यहाँ पे जाना आपको वहाँ जाना आपको वो करना। दूसरा दीदी बात करें बनाती किसका फ्रंटल पर सबसे पहले क्या पढ़ा था ब्रोकर से ब्रोकर सेरी का फंक्शन क्या है स्पीच प्रोडक्शन पूरे बात करें बहुत बढ़िया। दूसरा मैंने क्या बोला मोटर एरिया मोटर मतलब क्या और वॉलेंट्री एक्सरसाइज। थर्ड आपने क्या बोला फ्रंटल दीदी बात करें आई फील्ड मतलब क्या बोले बेटी बात करें आई दीदी ओपनिंग एंड क्लोज ओपनिंग। दूसरा मैंने क्या बोला जाओ तुम पहले आओ मतलब बुरे बात करें क्या जो टन पेरेंट्स और लैरिंग्स और आप
पहले बोल देता आई हैव और जो हरा नहीं पड़ा जो किसी को सहायता नहीं करता और सोच समझ के लिखना भी किसका काम है इसका काम है तो सरेंडर की बात कर लिखता हूँ ऊपर कुछ ठीक है इसमें कोई तकलीफ दिक्कत